मैं आपका अविनाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा में। और अभी मैं आपके बीच में वाराणसी जंक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आज मैं आया हूं आपके बीच में रिव्यू लेकर। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे बच्चे आए हैं और कैसे बच्चे जीडी के पेपर के, क्योंकि क्राउड बहुत है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा आगे बढ़े आप सभी। और अभी हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे, क्योंकि अगर हम अपने नियम को जरूर पालन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। कैसा क्राउड है, क्या सीन है, आगे मिलकर हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे जीडी का पेपर हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस का पेपर हो या सीजीएल का पेपर, बहुत ही क्राउड रहता है स्टेशन पे। मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो क्या करते हैं, स्टेशन पे ही स्टे करते हैं। तो क्या है क्या नहीं वो हम लोग अपने वीडियो में आगे देखते रहेंगे। ओके, अभी रात के 10:45 बज रहे हैं और मैं अभी बच्चों के साथ में हूँ। तो कब, कौन से शिफ्ट में आपका पेपर है? कल मेरा थर्ड शिफ्ट में गया। अच्छा, कल आपके थर्ड शिफ्ट में पेपर है। अच्छा, कैसा प्रिपरेशन है? किया है मैंने प्रिपरेशन। अच्छा, मॉक वॉक लगाए हो? नहीं, मॉक लगाना चाहिए, इससे क्या होता है स्कोर बढ़ता है। तो अभी आप यहाँ पे स्टे करेंगे क्योंकि होटल तो सारे फुल है। हाँ। तो अभी कैसे रुकोगे और कल पेपर है, फिर इतनी दिक्कतों के बाद में क्या सीन है? देख रहे हैं यही जगह कहीं मिल जाएगा तो रुक जाएंगे रात में। अच्छा, तो घूमेंगे क्या? हाँ। करेंगे? अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा? मेरा भीम कुमार यादव। इधर देखना, इधर देखना। भीम कुमार यादव है अपने साथ में। और कब है पेपर आपका? मेरा सेकंड शिफ्ट में है। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में कहाँ पड़ा हुआ है आपका पेपर? यहीं पर डीएवी पीजी कॉलेज। अच्छा, डीएवी पीजी कॉलेज में पड़ा हुआ है। आप मुझे बताओगे लेट से आए हो, क्या सीन है और कहाँ पे स्टे करोगे? क्या स्टेशन पे ही रुकना है आपको? जी, अभी तो स्टेशन पे ही रुकना है क्योंकि सुबह मतलब रहने का तो फ्लैट यहाँ पर गए थे देखने के लिए, फुल था। अच्छा, फ्लैट देखने गए थे? ये सही है, हम लोग तो रूम देखते थे, तुम फ्लैट देखने गए थे? मतलब काफी ज्यादा लड़के हैं ना, इसी की वजह से। अच्छा, इसकी वजह से रूम नहीं मिला? रूम नहीं मिला। कुछ खाया? हाँ, खाना खा लिए। अच्छा, खाना खाया हुआ है। अब वेस्ट विशेज, तैयारी अच्छे से की है। आइए आगे देखते हैं, हम लोग स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और कैसा वहाँ पे सीन है, क्या है, वो तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। बीच में आ गया हूँ, आप सभी का पेपर है जीडी का था। मैं सरकारी परीक्षा से हूँ, यूट्यूब चैनल है और वहाँ पे हम लोग एजुकेटर हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं एसएससी के सारे, जो जैसे आप जीडी की बात करते हो, एमटीएस की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आज आपका पेपर था, क्या नाम पड़ेगा? अभिषेक सिंह। अच्छा, अभिषेक सिंह, थोड़ा उधर देख लो। अभिषेक सिंह नाम पड़ेगा, किस शिफ्ट में आपका पेपर था? था फोर्थ शिफ्ट में। फोर्थ शिफ्ट में पेपर था। हाँ। कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। मैथ्स में कितना किया आपने? मैथ में 17 क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा नाम अविनाश सर पड़ेगा, आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। कितना आपने मैथ्स में किया? 17 क्वेश्चन किया। 17 क्वेश्चंस किए। मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन। 2 थे। रात के 10:50 हो रहे हैं और ये बच्चे अभी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ठंडी चल रही है, बच्चों को बहुत दिक्कत है, देख सकते हो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पूरा जो वाराणसी पूरा है वो फुलफिल्ड हो चुका है, ना बच्चों के रहने के लिए जगह है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी दिक्कतों के बीच में बच्चे अपने एग्ज़ाम को दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी कुछ बच्चों का रिव्यू लिया था, उन्होंने भी बोला कि सर मैंने रूम के लिए मैं जा रहा था लेकिन मिला नहीं, ठीक है। और कुछ बच्चों से लेते हैं, आपका भी पेपर था, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम लोकेश कुमार पड़ेगा। लोकेश कुमार नाम पड़ेगा। कहाँ से बिलोंग करते हो बच्चा? हम आरा जिला के रहने वाले। आरा जिला से हूँ। ये बच्चे भी आरा जिला के हैं। तो आरा जिला के बच्चे ने वाराणसी का सेंटर प्रेफर किया था। आपका सेंटर तो पटना भी हो सकता था ना? हाँ सर, लेकिन पटना दिया नहीं, वाराणसी। अच्छा, पहला चूज सेंटर क्या किया था? पहले तो हम पटना ही किए थे। किस शिफ्ट में आपका पेपर था? मेरा सर सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में था। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है एग्जाम के बाद में? अभी रहने में दिक्कत है। कब ट्रेन है आपकी? मेरा तो कल सुबह में है। कल सुबह में ट्रेन है। ओके, बेस्ट विशेज है आप सभी बच्चों को। आप सभी एक बार मेरा चैनल यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा को जरूर देखोगे और लाइक करें और डेली क्लास भी कर सकते हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ये सब वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए और भी देखते हैं, हम लोग स्टेशन की तरफ देखेंगे लेकिन सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे। उसके पीछे रीजन है क्या? पहले हम सुधरेंगे तभी इंडिया सुधरेगा। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो एक बार बोलेंगे बाबा विश्वनाथ की, सभी बोलेंगे बाबा विश्वनाथ की, ठीक है। बेस्ट विशेज है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और फिजिकल के लिए, अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है तो, ठीक है। पीछे भी दिखा दो, ये सारे बच्चे ही हैं। बच्चे वो सुबह की ट्रेन से जाएंगे 4 बजे के करीब, सुबह 4 बजे मॉर्निंग में। हाँ हाँ, जो टिकट होगी वो सुबह। तो चलते हैं और भी देखते हैं बच्चों के बीच में, कुछ आगे देखते हैं स्टेशन पे, क्योंकि अब हमारे पास में क्या है भाई, वैलिड प्लेटफॉर्म टिकट है, ठीक है। चलो जय हिंद दोस्तों, एक हमारे बीच में बच्चा है, इससे मैं जानना चाहूँगा कि
कब इसका पेपर है एसएससी जीडी का, और अभी वाराणसी जंक्शन पे क्या व्यवस्थाएं हैं और ये कैसे एग्जाम देगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पवन कुमार पड़ेगा। पवन कुमार, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? आरा जिला। आरा जिला, सभी आरा जिला के बच्चों का सेंटर यहीं पे दिया हुआ है? हाँ। मैक्सिमम बच्चों का पहला सेंटर कहाँ पे डाला था? पहले फर्स्ट ए थी है मेरा। अच्छा, फर्स्ट तुम्हारा एग्जाम है? हाँ। मतलब एक चॉइस होता है ना सेंटर का कि पहले पटना देना। पटना डाले थे, पटना नहीं मुड़ा, बनारस पड़ गया। बनारस पड़ गया। अच्छा, कब है पेपर आपका? 9 बजे से। कब, किस डेट पे? 24 तारीख को, कल। 24 कल है ना, आज 23 है और रात के 11 बज रहे हैं। और ये बताओ कि कल मॉर्निंग में तुम्हारा पेपर है, अभी आप आराम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ऐसा होगा कि आपके 2-3 क्वेश्चंस कम हो जाएं, या अभी आराम करोगे, कैसे अभी रहने वाले हो? अभी ढूंढ रहे हैं रहने के लिए व्यवस्था होगा तो रह सकते हैं, नहीं तो स्टेशन पर बैठ कर। अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि मैंने जैसे रिव्यू किया है पूरे होटल फुल है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा रेस्ट करो, आराम से रिलैक्स होके चिल्ड होके फिर एग्जाम दो। ठीक है, फिर से मैं अभी हूँ अपने बच्चों के बीच में, और जस्ट मैं जा रहा था अंदर तब कुछ बच्चे मिले। एक बार क्या नाम पड़ेगा आपका? ऋतिक राजकुमार। ऋतिक राजकुमार, आर्मी का आपने पहना भी हुआ है और अभी एसएससी जीडी का एग्जाम भी है आपका? जी। किस शिफ्ट में आपका पेपर है? फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है जी। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक ठाक है। ठीक है, अभी फर्स्ट शिफ्ट में है, यानी 7 बजे से एंट्री है आपकी जी। तो आप मुझे बताइए कि अभी कहाँ स्टे करोगे कि ऐसे ही रहोगे आप? अभी तो ऐसे ही रहेंगे, स्टेशन पे ही कहीं पे। स्टेशन पे ही रहोगे जी। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बहुत थक जाओगे फिर, या ऐसा कभी ये नहीं सोचा कि हम पहले से आ जाते, रुक जाते, तो रिलैक्स माइंड से जो एग्जाम दे पाते और थके थके दे पाओगे? वो तो ऐसे भी हो जाएगा। ऐसा भी हो जाएगा, हैबिट है। हैबिट। ऐसा और भी एग्जाम्स में हुआ है आपके? जी, एग्जाम्स मेरा पहली बार है, और ऐसे बहाली था जो कटिहार में नर्सिंग का बहाली था। अच्छा, नर्सिंग की बहाली, आर्मी में भी गए? आर्मी नर्सिंग का बहाली था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपने बीच में क्या नाम बताया था आपने? ऋतिक राजकुमार। ऋतिक राजकुमार है, कहाँ से बिलोंग करते हो? गया। गया जिला का ये बच्चा है ऋतिक, और गया जिला में आर्मी का सेंटर भी है जी, ओटीए सेंटर है। ओटीए है, ओटीए सेंटर में मेरा बच्चा भी ट्रेनिंग भी कर रहा है, मैं वहाँ पे गया था जी, और मैं बोध गया में भी गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं बाहर अंदर क्या है, अभी तक ये बाहर का हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। तो सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका पेपर हो आप टाइम से पहले निकलिए, एक दिन पहले निकलिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि सारे होटल जो है वो फुल हो चुके हैं, है ना, जैसा कि बच्चों ने रिव्यू भी किया है, और देखो कितनी क्राउडेड है। एक उधर दिखाना बच्चे को, देख रहे हो वो एग्ज़ाम देने आया है, और कैसी चीज़ें हैं, और रिलैक्स माइंड से देगा तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूर सॉल्व कर पाएगा। खैर जो भी है, अंदर चलते हैं, देखते हैं स्टेशन पे क्या सीन है, वहाँ पे भी बच्चे हैं कि बस बाहर में हैं। ठीक है, तो अभी आप जैसे मैंने दिखाया आगे पीछे एक बार दिखा देना कितनी क्राउड है, और बच्चे को सोने के भी जगह नहीं है, और वाराणसी का ये जंक्शन है, एक बार दिखाना। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा दीपक तिवारी नाम पड़ेगा। दीपक तिवारी है, कहाँ से बिलोंग करते हो? बिहार। बिहार से, बिहार में कहाँ से? चेनारी से। हा? चेनारी सासाराम से जी। और आपका जीडी का पेपर है? जी जी। कब है पेपर? कल है, कल से। कल कौन से शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में जी। तो अभी बताओ कितने बज रहे हैं? रात के 11 बज रहे हैं जी। कितने बज रहे हैं सर? 11 बज रहे हैं। 11 बज रहा है। अब बताओ सुबह तक ऐसे ही बैठे रहोगे? क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, जगह तो है नहीं। क्या तो क्या रिलैक्स माइंड से एक एग्जाम दे पाते और एक थोड़ा सा थके थके जाओगे एग्जाम में, तो दोनों में डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ही सर। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, जैसे और भी बच्चे सोए हैं ना, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, क्योंकि फोर्ट के आना एग्जाम को जी। समझ रहे हो कि नहीं समझ? समझ रहे सर। अच्छी तैयारी है लग रहा है। ठीक है, सासाराम में कहाँ से बिलोंग करते हो? चेनारी से ना। सासाराम में वो गुप्ता धाम भी है क्या? वहीं से बिलोंग करते हैं। अच्छा, गुप्ता धाम की जगह से भी बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी जगह है गुप्ता धाम, जिन बच्चों को ट्रैक करना होगा वो जाएगा जरूर। मैंने वहीं पर सर, घर में पड़ेगा हम लोग वहाँ पे। अगली बार मैं आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा। ठीक है, मेरा नाम अविनाश सर, मैं सरकारी परीक्षा से। देखो भाई, ये बच्चा बैठ के अभी स्टेशन पे इतनी दिक्कतों के बाद में भी पढ़ रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, किस शिफ्ट में आपका पेपर है? सेकंड शिफ्ट में। कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? आरा से। आरा से हो? देखो भाई, बच्चे अभी भी लगे हुए हैं एग्जाम टाइम में। किस शिफ्ट में आपका पेपर है बच्चा? सेकंड शिफ्ट में। यस। तो थोड़ा नींद लोगे, लग रहा है प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है, एक्चुअली मैं अविनाश सर हूँ, मैं सरकारी परीक्षा से बिलोंग कर रहा हूँ, तो जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं, तो आपकी वीडियो मिलेगी। अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट विशेज है। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे,
यस सर करेंगे। और बेस्ट विशेज है फोर्ट के आने। थैंक यू सर, कर फोर्ट को जरूर आएंगे। जरूर आएगा yes. एक बार दिखाना बच्चा कैसे पढ़ रहा था। ये थोड़ा ऊपर दिखाना इसको। ये इस पे इससे क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे सर। अच्छा इस पे वॉश करके yes. सही है भाई yes. क्या नाम था? अभिषेक कुमार। ये अपने बीच में अभिषेक था और बहुत अच्छा काम भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था। और सारे बच्चे अभी भी सोए हुए हैं। तुम लोग का भी पेपर है? सारे बच्चों का पेपर है। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक कंडीशन है भाई। नींद उंद है? मच्छर उच्छर लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हो? बिहार में कहाँ से? रोहतास जिला से। चलो भाई थोड़ा रोहतास जिला के पास में भी चले जाते हैं और एक बार बताते हैं। ठंडे का मौसम है भाई और रात के 11 बज भी चुके हैं। एक्चुअली मैं एजुकेटर हूँ और सरकारी परीक्षा पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था, बच्चे ये कह भी रहे थे कि बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपको आने में यहाँ दिक्कत हुई? नहीं कोई दिक्कत। अभी ये बताओ कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो कैसे, दो चार क्वेश्चंस कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इतना विश्वास है, अगले साल असाइन किए थे, अगला साल भी मेरिट में जाकर छठे थे, 67 पर मेरिट उठाया था, हम मेरा भी 67 नंबर था, बाकी ये थे एज के हवाले से हम एज। अच्छा, लास्ट ईयर भी आपने दिया हुआ था 67 आपके थे, उतने पे मेरिट उठाया था लेकिन आपका नहीं बना था एज इशू के कारण। इस बार फोड़ना है yes. क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रकाश कुमार नाम है। एक्चुअली सरकारी परीक्षा यूट्यूब पे सर्च करोगे वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। कहाँ से? रोहतास से बोला था ना। ओके ये अपना बच्चा है रोहतास से और काफ़ी चीज़ें देख रहे हो, इतनी ठंड है और रजाई लेकर भी बैठा। वो बच्चा दिखाना उसको एक बार फिर से। वो बच्चा पढ़ रहा है कंटिन्यू। ऐसे बच्चे हैं, डेडिकेटेड बच्चे हैं और ऐसे बच्चे ज़रूर सक्सेस होंगे। और आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ रही है। मॉक लगाया आपने इस बार? यस। कितने मॉक लगा के जा रहे हो टेस्ट में? अभी 64-65 कोई जैसा सेट है, लगभग 60 से ऊपर, 60-70 के बीच में। 60-70 के बीच में। और नाइट में मेरी तरफ से आपको सजेशन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जरूर देख लेना। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस दो आ रहे हैं, ठीक है? पता है। और एक दो 2021 और 22 के करंट अफेयर्स देख लेना। 2019 तक देखे हैं, 2019 तक देखा हुआ है। वेल एंड गुड, तब तो अच्छा है। बेस्ट विशेज है भाई। ओके बब्बा, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा स्टेशन की तरफ अंदर भी चलते हैं, ये तो बाहर बाहर है। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ वाराणसी। ये प्लेटफॉर्म 1 है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जीडी के मिल रहे हैं। आया ना, आपका पेपर था जीडी का? यस सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्याम सुंदर सिंह। श्याम सुंदर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? भभुआ जिला। ये भभुआ गुप्ता था मौला ना, रोहतास जिला। ओके कैसा गया पेपर और कब था आपका पेपर? सर कल पेपर था, सेकंड शिफ्ट में था। कल पेपर था सेकंड शिफ्ट में। कितना आपने स्कोर किया? 55 किए हैं। 55 किए हो। मैथ्स में कितना किया? मैथ्स में 15 अटेम्प्ट। 15 अटेम्प्ट था। सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ पे? सबसे दिक्कत मतलब टाइम टेकिंग में है। अगर माले मॉक नहीं लगाया था? मॉक लगाए थे, पर जैसे मोबाइल पर मारते थे ना, तो वहाँ पर सिस्टम पर बैठने में थोड़ा ऊपर नीचे। देखो बच्चों, एक बढ़िया बच्चा बात बता रहा है कि मोबाइल से मारना और सिस्टम पे मारना दोनों में डिफरेंस हो रहा है। कैसे उस पर मोबाइल पे मान लीजिए तो आप हाथ से मार रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पर जो है मतलब जो माउस कर्सर का माउस ले ऊपर नीचे करने में थोड़ा बहुत बढ़िया सजेशन है बच्चों, दिक्कत हो रहा है। सिस्टम पे ही दोगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ऋषु कुमार सिंह है। ऋषु कुमार, आपका भी जीडी का पेपर था? यस सर। एक्चुअली मैं ऑनलाइन यूट्यूबर हूँ और मैं एजुकेटर भी हूँ और मैं सरकारी परीक्षा पे सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पढ़ाता भी हूँ। आप सभी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। तो कब था पेपर आपका? सर मेरा 23 तारीख को था, फर्स्ट सीटिंग में। 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। कैसा गया पेपर? एग्जाम तो सर थोड़ा अच्छा नहीं गया क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अच्छा फर्स्ट टाइम था, अच्छा नहीं गया, आगे अच्छा करना है? हाँ अच्छा आगे अच्छा करना है। बेस्ट विशेज है, एक बार आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर आओगे, कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। जी सर। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ और एक बच्चा मिला है जीडी का। कैसा गया पेपर आपका? मेरा पेपर ठीक गया है। कौन से शिफ्ट में पेपर था आपका? फोर्थ शिफ्ट में था। आज ही था? जी। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम पड़ेगा? बक्सर बिहार से आए हैं। बक्सर बिहार से आए? जी। मैथ्स में कितना स्कोर किया आपने? मैथ्स में 15 स्कोर किए हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस किए आपने? जी। अच्छा, और जीएस में कहाँ से पूछा था? जीएस में पॉलिटी से पूछा था, हिस्ट्री से नहीं पूछा था, करेंट था। करेंट कहाँ से पूछ रहा है? 2020-21 कहाँ से पूछा? 2022 का था। देखो बच्चों, करंट अफेयर्स जीडी ने क्या किया,
2022 और 21 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लगले अभी जो स्वामी विवेकानंद का जो लगले ने मनाए जो प्रधानमंत्री जो मनाए हैं उसमें लगले जो देहरादून में मनाए हैं उसमें पूछा था। अच्छा चलो, क्या नाम पड़ेगा आपका भाई? विशाल कुमार। विशाल कुमार कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? आरा से। आरा से हो, ये भी बच्चे आरा से ही हैं। बहुत सारे बच्चे आरा के ही पढ़े हुए, बिहार का मैक्सिमम सेंटर बनारस है। तो कब था पेपर आपका? मेरा पेपर कल है। अच्छा कल है जी। किस शिफ्ट में है? सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में फिर अभी रात के 11:30 हो रहे हैं अभी जी। और आप मुझे बताइए कि क्या क्या दिक्कतें होंगी और कहाँ स्टे करोगे अभी? अभी तो हम स्टेशन पे यहाँ पे जंक्शन पे रहेंगे। फिर अगर आप कहीं रूम लेने के लिए नहीं सोचा आपने? नहीं, हम रूम लेने के लिए नहीं सोचे। अच्छा, तो थोड़ी सी एफिशिएंसी क्वेश्चन जब करोगे तो थोड़ी सी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि रेस्ट तो बहुत जरूरी है भाई। रेस्ट तो जरूरी है, लेकिन अब पैसा नहीं, नहीं था, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से रूम लेंगे। अच्छा ठीक है, खाना होना खाया? थोड़ा सा कुछ खाए। खाना होना खाना? चलो मैं खिलाता हूँ आपको। नहीं नहीं, चाय वाय खिलाता हूँ। चाय वाय पी लिए? हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ और मेरी मैं एजुकेटर भी हूँ और मैं अभी फिलहाल सरकारी परीक्षा के साथ में। आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे तमाम चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, SSC GD MT तमाम चीज़ों की। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहा हमारा रिव्यू आज के लिए SSC GD के लिए। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया और तमाम व्यवस्थाएं देखी, बहुत भी दिक्कत है। मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, स्टेशन पे ही स्टे कर रहे हैं। और कल के एग्ज़ाम के लिए सारे बच्चों को बेस्ट विशेज। ओके बाय, मिलते हैं ऐसे वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में।